Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और मैं उस्मान बुज़दार आपको, जहानिया गर्देजी आपको, उस्मान आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ सेक्रेटरी को, आपकी सारी टीम को, मैं आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आज आपने वो कदम उठाया जो इंशाल्लाह टाइम ये साबित करेगा कि आप मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। जो किसान की आप मदद करने जा रहे हैं किसान कार्ड से, ये जो आज एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपने लॉन्च किया किसान कार्ड का, ये इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान को, तब्दील करेगा, क्योंकि जो किसान है वो असल में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितना जितना हम अपने किसान को मजबूत करते रहेंगे, हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। तो ये जो आज आपने अनाउंस किया किसान कार्ड, ये शुरुआत है, ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। पहले तो इससे जो जहानिया गर्देजी ने मेरे ख्याल में बात की कि अफ्रीका के एक मुल्क ने शुरू किया, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाते रहेंगे करप्शन नीचे आती रहेगी, लोगों की ज़िंदगी आसान होती रहेगी। टेक्नोलॉजी अब एक ऐसी चीज़ है कि सारा पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है। ये जो रिश्वत ली जाती है जिधर इंसान का इंटरेक्शन होता है दूसरे इंसान से, वो इंटरेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा इस कार्ड की वजह से। कार्ड के ऊपर आने से पहले मैं आज बड़ी मुझे खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि सिर्फ हमारे दौर में जो कि किसानों को इजाफी मिला पैसा सिर्फ गंदम में, वो 500 अरब रुपया है। हमारे दौर में जो गंदम की कीमत बढ़ी है, दो सालों में वो 500 रुपया है। 500 रुपया गंदम की कीमत, सपोर्ट प्राइस बढ़ा है, और जो इजाफी इसकी वजह से किसानों के पास पैसा आया है वो 500 अरब रुपया है। और ये जो टोटल गन्ने की कीमत जो किसानों को मिली है, मूंगी की कीमत, मकई की कीमत, दूध की कीमत, इससे ये ज़रा आप सब नोट कर लें, 1100 अरब रुपया इजाफी पाकिस्तान के किसानों के पास गया है। सबसे ज़्यादा गुर्बत पाकिस्तान में देहात में है, और ये जब 1100 अरब रुपया देहात में गया है, तो जो मेरा असल मकसद है मेरी हुकूमत का, पहले दिन से जो मेरा मकसद है कि हमने पाकिस्तान में गुर्बत कम करनी है, तो ये उस टारगेट की तरफ हम जा रहे हैं कि 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों के पास आया है। इसका मतलब हमारे देहाती इलाकों में गया है, इसका मतलब कि वहाँ हालात बेहतर होंगे। लेकिन मैं अभी आगे आने चाहता हूँ कि और हम क्या क्या करने जा रहे हैं। उससे पहले किसान कार्ड, गर्देजी साहब आपने कहा कि 500 सिर्फ उसकी सब्सिडी या डीएपी के ऊपर, हम जो किसान कार्ड के ऊपर अब हमने फैसला किया है कि 1000 की डीएपी के ऊपर अब सब्सिडी जाएगी, और ये सब्सिडीज खादों के ऊपर के अलावा बीज पे भी जाएगी और कीड़े मारने वाली दवाइयों के ऊपर भी जाएगी, और जो दो इजाफी चीज़ें
कि इस किसान कार्ड के जरिए हम फिर कर्जे भी दे सकेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। और ये जब कई दफ़ा फसल फेल हो जाती है, किसानों के बुरे हालात होते हैं, उनको भी हम जब भी कोई क्लाइमेटी आएगी, कोई बुरी खुदा ना खास्ता एक किसानों की फसल फेल हो जाती है, या मसलन आलू की बिल्कुल कीमत नीचे गिर गई, तो जो किसान ने आलू इतनी मेहनत से उगाए होंगे उनके लिए, फिर उस तरह के इलाकों के लिए इसी कार्ड के ज़रिए फिर हम इंशाल्लाह उनकी भी मदद करेंगे, उनको भी हम पैसे देंगे। मैं फिर से चीफ मिनिस्टर साहब आपको इसलिए मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि बड़े थोड़े टाइम पे आपने ये किसान कार्ड के ऊपर ये सारी सब कुछ मुकम्मल किया, और इसमें आपके जिन लोगों ने आपका साथ दिया, हबीब बैंक और पंजाब की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट उसने, और फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, सब ने जिन्होंने मिल के किया, मैं आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बड़ी तेज़ी से आपने काम किया और ये इंशाल्लाह ये एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक तब्दील कर देगा किसानों की ज़िंदगियाँ। अब मैं आगे जो चीज़ें जो कहना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, जो सारा जो ज़रई का से सारा सेक्टर है, जो सारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको क्या तब्दील करने के लिए और बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। पहले तो आपको पता है 300 अरब रुपए का एक पूरा पैकेज है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं। पानी का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, आगे किसानों को पानी की, अगर पानी की शॉर्टेज होती है तो पैदावार कम हो जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो 50 साल के बाद दो बड़ी डैम्स बन रही हैं, काम शुरू है उनके ऊपर, और इन दो डैम्स की वजह से इजाफी पानी आएगा किसानों के लिए। ये हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा छोटी डैम्स बना रहे हैं, फिर हम नहरें बना रहे हैं, जिस तरह झेलम में बहुत बड़ा मंसूबा है, जो झेलम के अंदर एक बड़ी नहर जो हमने अभी स्टार्ट की हुई है। उसके बाद जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 220 अरब रुपया सिर्फ जो नहरें पक्की करनी है और खाले पक्के करने हैं उसके ऊपर है, जिससे कि इजाफी पानी मिलेगा। सीपैक के अंदर मैंने खुद चाइनीज़ से बात करके तो एग्रीकल्चर को सीपैक के बीच में ले आए हैं, ताकि जो भी हम चाइनीज़ से अपने किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह, वो पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चाइना में हमारे से बहुत ज़्यादा पैदावार वो लेते हैं हर तरह, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनकी सीड डेवलपमेंट है, उस सारों से हमने सीपैक में डाल के तो उनकी पूरी उससे फ़ायदा उठाएंगे। फिर जितनी हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सीड रिसर्च, जो बड़ी अच्छी पाकिस्तान की क्वालिटी की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थी, जो बिल्कुल निगलेक्ट की वजह से, परवाह ना करने की वजह से जो नीचे चली गई हैं, उनको अब हम पूरी तरह रिवैम्प कर रहे हैं। और दाल, ऑयल सीड्स, सोयाबीन, इस्पगोल, ये सारी चीज़ें अब हम पाकिस्तान में उगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। देखें, पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जो पैदावार के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हैं वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से चाहिए 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो पाकिस्तान की ज़्यादातर इलाका 15 और 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। इसका मतलब हम कुछ भी उगा सकते हैं, इसका मतलब हम ज़्यादा फसलें साल में भी उगा सकते हैं। हम अपने जो अल्लाह ने हमें नेमतें बख्शी हैं उनका हम और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं पाकिस्तान में। तो आगे हम क्या करने जा रहे हैं अपने किसानों के लिए, जो हमारे पुराने कई हम वही अभी हमारे किसान वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुझे लगता है मोहनजोदारो के 5000 साल पहले कर रहे थे।
कोई नई चीज़ें नहीं हमने सोची। इसके लिए हम अब एक्सटेंशन सर्विसेज उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, यानी प्राइवेट इदारों को देने लगे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बदकिस्मती से जो हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो उन्होंने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया। तो प्राइवेट सेक्टर को लेके आएंगे एक्सटेंशन सर्विसेज का, मतलब तकरीबन एक यूनियन काउंसिल में एक मोटरसाइकिल के ऊपर होगा एक ट्रेंड प्रोफेशनल जो जाके अपने सारे इलाकों में किसानों को नई नई टेक्निक्स बताएगा। इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नई प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली सबसिस्टेंस लेवल की एग्रीकल्चर है, क्योंकि तकरीबन 96-97% जो हमारे किसान हैं वो बड़े छोटे किसान हैं, तो उनकी जो उनके पास वो सिर्फ अपनी खाना अपना जो पैदावार उगाते हैं अपनी ज़ात के लिए अपने खाने के लिए। तो हम ये एक्सटेंशन सर्विसेज के ज़रिए जिस तरह चाइना ने किया था इन सब को ट्रेन करेंगे कि अपनी पैदावार बढ़ा सकें, ताकि अपने लिए भी रखें लेकिन ये बेच भी दें और खुशहाल हो सकें, तो उसके लिए एक्सटेंशन सर्विसेज बड़ी ज़रूरी हैं। फिर लाइव स्टॉक, पाकिस्तान में पता नहीं गालिबन दुनिया में 7 या 8 नंबर पर गाय भैंसे हैं, लेकिन हम अभी भी दूध इम्पोर्ट करते हैं। वजह इसकी ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है, तो इसके लिए हमने 40 अरब रुपया हमने इसके लिए अलहदा रखा है कि बाहर से हम इम्पोर्ट करें, सीमन इम्पोर्ट करें, ताकि हम इनकी नस्लें ठीक कर सकें अपनी जो हमारी लाइफ स्टॉक है। इनकी 40 अरब रुपए से जो इम्पोर्ट करेंगे इनकी नस्लें ठीक करेंगे, और आप देखेंगे कि ये 1-2 सालों के अंदर चेंज आएगा, ये ज़्यादा लंबा चेंज नहीं है। और ये चेंज से क्या होगा, हम समझते हैं कि हमारी दूध की पैदावार 3 गुना बढ़ेगी। इस वक्त हम मुल्क में महंगा दूध बेचते हैं क्योंकि पैदावार कम है, अगर हमारी दूध की पैदावार 3 गुना बढ़ जाए, जो हम समझते हैं कि जो हम इम्पोर्ट करेंगे सीमन और अपनी अपनी गाय और भैंसों की नस्लें इनकी ठीक करेंगे, उससे क्या होगा कि ना तो हम सस्ता दूध देंगे अपने लोगों को जो इस वक्त महंगा दूध देते हैं, दूसरी चीज़ कि हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे चीज़ और दूध। और हम समझते हैं कि अगर हम 3 गुना ज़्यादा पैदावार अपनी अपनी अपने लाइफ स्टॉक की कर सकें, तो 25 अरब डॉलर सिर्फ हम दूध और चीज़ की एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं अगले 3 सालों में। फिर जो सबसे तकलीफ दह चीज़ है कि पाकिस्तान में जो लॉसेस होते हैं सब्जियों के और फ्रूट्स के, सब्जियों और जो हमारे फलों के जो लॉस होता है 50% है, और जो ग्रेन्स हैं यानी जिस तरह हमारी गंदम है हमारी मकई है इसके अंदर जो लॉस है वो 20% है। अब ये सोचें कि 20% अगर पूरी जितनी हम गंदम साल की, अल्लाह इंशाल्लाह जानिया गर्देजी आपने कहा कि रिकॉर्ड हुई है, और अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि वाकई रिकॉर्ड हो, कोई पता नहीं होता कोई बारिश ना गलत टाइम पे हो जाए, अल्लाह करे वो हो। इस वक्त जो आसार लग रहे हैं कि पाकिस्तान में सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे गंदम की पैदावार के, तो उसमें से अगर 20% गंदम हमारी ज़ाया हो जाती है, सोचे कितने अरबों रुपए का नुकसान है। और वो फिर फल और हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो जो ज़ाया होती हैं आधी, तो सोचें कि अगर वो ना ज़ाया हो हम कितना सस्ता फल और सब्जियां अपने लोगों को दे सकते हैं शहरों में। तो उसके लिए हमने फैसला किया है कि हम स्टोरेज डेवलप करने लगे हैं, जो अब तक पाकिस्तान में स्टोरेज नहीं है, एक स्टोरेज डेवलप करेंगे और एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स डेवलप करेंगे। और ये जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स होंगे, यानी ये भी अगर हम अपने देहात में लगा दें तो ये भी हमें बचाएंगे, ये जो इतना हैवी लॉस होता है हमारी सब्जियों के और हमारे फल के। फिर जो हम अपने किसानों को जो कर्ज़े हैं वो हम दुगने कर देंगे, जो अभी हैं उससे दुगने करेंगे, ताकि किसानों के पास मज़ीद और पैसा आए अपने
अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए। फिर दो चीज़ें हम जो खादों में जाती हैं वो हम इम्पोर्ट करते हैं, और वो हमें जब इम्पोर्ट करते हैं हमारे पास आ गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स मुल्क के बाहर जाते हैं बनिस्बत जो मुल्क में आते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने अपना करंट अकाउंट को सरप्लस में लेके आए हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कई चीज़ें इम्पोर्ट करने की। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, दालें, इस्बगोल वगैरह, ये हम इम्पोर्ट नहीं, ज़रूरत सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है। लेकिन जो हम खादों के अंदर चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, पोटेशियम और फॉस्फेट, वो दोनों पाकिस्तान में हैं। मैंने अभी पता चलवाया कि पोटेशियम का मियांवाली और कालाबाग में 6 अरब टन पोटेशियम है वहाँ। हमने कभी कुछ उसको निकालने की कोशिश नहीं की, सोचे 6 अरब टन वहाँ हैं। और हज़ारा में फॉस्फेट्स हमारे पास 27 मिलियन टन है। तो हम अब ये कोशिश करेंगे कि अपनी खादें जो मटेरियल जाता है उनके लिए वो यहीं पाकिस्तान के अंदर ही हम करें। अच्छा, अब आगे मकसद क्या है हमारा, आगे रास्ता क्या है, चाहते हम क्या हैं? हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे जो किसानों की आमदनी है वो दुगनी हो जाए। किसान जब खुशहाल होगा तो वो अपनी ज़मीन पे पैसा लगाएगा, उसकी और पैदावार बढ़ेगी। तो उसके लिए हमने कोशिश करनी है कि उसकी आमदनी दुगनी हो। दूसरी चीज़, हमारी जो सीरियल प्रोडक्शन है, मकई, गंदम, चावल, इनकी पैदावार हम दुगनी करें। और ये हो सकती है पाकिस्तान में, अगर हम सिर्फ चाइना की थोड़ी सी टेक्निक्स ले लें, उनकी कई जगह 3 गुना हमारे से ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह जो हम आप कदम उठाने लगे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ये जो सारे हम कदम उठा रहे हैं उसके लिए हमारी कोशिश है वो दुगनी हो जाए और हमें कभी इम्पोर्ट ना करनी पड़े। और एडिबल ऑयल्स जो हम इम्पोर्ट करते हैं, अरबों डॉलर्स हम खर्च करते हैं, वो सारा पाकिस्तान में हो गए। कई दवाइयों के लिए पौधे जो पाकिस्तान में उग सकते हैं वो भी रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं, वो भी हम यहीं उगाएं। और ये सब कुछ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हिफाजत करेगा। फ्रूट और वेजिटेबल, जिसकी ज़बरदस्त मौसम है पाकिस्तान में सब्जियों का और फलों का, हम समझते हैं कि हम इनकी पैदावार 5 गुना बढ़ा सकते हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरा टारगेट है। दालें दुगनी उगा सकते हैं, जितनी अब हम उगा रहे हैं हम समझते हैं दुगनी उगा सकते हैं। फिशरीज और प्रॉन्स हम अपनी आराम से जो अभी हमारी पैदावार है इसे दुगनी कर सकते हैं। सारे जितने भी यहाँ, जब आप यहाँ से मुल्तान से जाएं, सेम के इलाके हैं, सेम का जो इलाका है उसमें सारी जगह प्रॉन्स, आराम से हम प्रॉन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं और इसे हम दुगनी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर हमारी कोशिश है कि मकई, इस वक्त 8 मिलियन टन मकई हम उगाते हैं, हम इसको 25 मिलियन टन कर सकते हैं। 25 मिलियन टन अगर मकई हम कर ले, हमारे बड़े मसले हल हो सकते हैं। जो हम इस पिछली बारी गंदम को हमने चिकन फीड के लिए दी तो वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मकई से वो पूरा कर सकते हैं। ये जो अब इनकी डिटेल्स हैं, ये जो मैंने आपको फ्यूचर का प्लान बताया, ये अगले 2 महीने के अंदर हर चीज़ जो मैंने आपको कहा है कि हम कैसे डबल करेंगे, इन सब की तफसीलें आपके सामने मैं खुद पेश करूंगा। क्योंकि मैं अब फैसला किया है कि जो एग्रीकल्चर का सारा हमारा सेक्टर है, इसको मैं अब खुद ऊपर से इसकी सरबराई करूंगा, इसको मैं ड्राइव करूंगा। आपके सामने हर हफ्ता जो नया इनिशिएटिव, ये इनकी डिटेल्स हैं, अब ये तो मैंने आपको ओवरऑल बताया है, इनकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपको एक एक की दूंगा टाइम फ्रेम के साथ। आखिर में मैं फिर से चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, पंजाब गवर्नमेंट, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ।
किसानों के लिए जो आज आपने किसान कार्ड लेके आए हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने पाकिस्तान की हेल्थ सेक्टर के लिए हेल्थ कार्ड लेके आए हैं। जिस तरह वो हमारा सारा हेल्थ सेक्टर तब्दील करेगा, उसमें जो इनकलाब आएगा, प्राइवेट सेक्टर अस्पताल बनाएगा, हर खानदान के पास एक हेल्थ कार्ड होगा, एक हेल्थ इंश्योरेंस होगी कि अगर कोई गरीब से गरीब भी अगर बीमार होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, उसी तरह किसान कार्ड भी पाकिस्तान के तकरीबन 40 से 50 लाख जो किसान हैं उन सारों को प्रोटेक्शन देगा और आगे जाके उनकी पूरी मदद करेगा, आसानियां पैदा करेगा उनके लिए ताकि वो पाकिस्तान में पूरी तरह कंट्रीब्यूट कर सकें इस मुल्क को मजबूत करने के लिए, हम ताकि सस्ती चीज़ें अपने लोगों को दे सकें। हम एक अल्लाह ने एक नेमत दिया पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा कि 15 सेंटीग्रेड और 38 सेंटीग्रेड के बीच में सबसे बेहतरीन मौसम होता है पैदावार के लिए, एग्रीकल्चर की पैदावार के लिए, वो पाकिस्तान को अल्लाह ने दिया है। तो हम इसका पूरा फ़ायदा इंशाल्लाह उठाएंगे। इसका एक पहला कदम आज जो पंजाब गवर्नमेंट ने किसान कार्ड लॉन्च किया है। शुक्रिया।